नमस्कार दोस्तों, मैं करदम रावल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। और आज इस छोटे से वीडियो के अंदर हम देखेंगे, अब सितंबर जो है उस महीने के अंदर वेस्ट बंगाल से खुशखबर निकल के आती है कि रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लोकेटेड है सिलीगुड़ी से काफी नजदीक, वहां पर जो है बर्ड की यहां पर आवाजाही बहुत ज्यादा बड़ी है। तो अब जो है कुछ नंबर निकाल के दिए है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सेंसस कैरी आउट करते हैं, उन्होंने कहा है कि 130 हेक्टर की जगह में फैले इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 98,532 टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स जो है इस साल अब तक विजिट पे आया है। तो ये जो बर्ड्स है ये यहाँ पर आते हैं 39 डिग्री जो इसका सेल्सियस टेम्परेचर रहता है गर्मियों और बारिश के मौसम में मैक्सिमम, और 21 डिग्री का लोएस्ट टेम्परेचर रहता है। तो इस एटमोस्फियर को एंजॉय करने के लिए रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तर दिंजापुर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है, तो यहाँ पर जो है इतने सारे बर्ड्स विजिट लेते हैं। तो ये अभी एक टूरिज्म हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाता है बर्ड लवर्स के लिए। तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। तकरीबन यहाँ पर 164 ब्रीड्स के बर्ड आते हैं हर साल, और उसके अंदर 1 लाख तक का नंबर सालाना अचीव हो जाता है। तो मैप के अंदर आप देख सकते हैं ये 4 किलोमीटर यानी कि 2.5 माइल की रेंज के अंदर फैला हुआ, ये रायगंज टाउन से नजदीक है। नेशनल हाईवे 34 से यहाँ तक पहुंच सकते हैं, कलकत्ता से ये 425 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है और सिलीगुड़ी से 181 किलोमीटर की ये दूरी के ऊपर है। 39 to 21 की रेंज के ऊपर समर के टेम्परेचर है और विंटर के टेम्परेचर यहाँ पर 23 to 6 की रेंज के ऊपर है। और यहाँ पर तकरीबन 1550 मिलीमीटर तक की जुलाई से लेके सितंबर के अंदर यहाँ पर रेन होती है, और ज्यादातर बर्ड्स जो है ये जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक का यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर मेजोरिटी जो है सरकार ने इस एरिया को डेवलप करने के लिए कदम, जरूल, सीसो और यूकलिप्टस जैसे अलग अलग जो है पेड़ यहाँ पर लगाए हुए है, क्योंकि ये बर्ड्स के फेवरेट होते हैं यहाँ पर रहने और समय बिताने के लिए। इसके अलावा जो रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर मेनली इसको 1970 से डेवलप करने का काम शुरू किया, और इसको फाइनली नाम दिया गया ऑफिशियली एज रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम 1985। और इसको इवन कुलिक बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी के बीच में से फ्लो होती है कुलिक रिवर। अब इसके अलावा इंडिया के अंदर वो कौन कौन सी बर्ड सेंचुरीज है उसकी भी डिटेल ले लेते हैं। तो यहाँ पे है हरिके पाटन सेंचुरी जो 93 स्क्वायर माइल्स की है, ये आती है तमतरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब के अंदर। उसके अलावा है भरतपुर बर्ड सेंचुरी जिसको आज के दिनों के अंदर हम जानते हैं केवला देवी नेशनल पार्क के नाम से, जो एक एशिया की लार्जेस्ट सेंचुरी भी मानी जाती है, यानी कि अब नेशनल पार्क है जिसके अंदर बर्ड सेंचुरी भी इंक्लूड की जाती है। अब इस सेंचुरी जो है रायगंज बर्ड सेंचुरी, इसके अंदर ओपन बिल स्टोक्स, इग्रिट्स, नाइट हेरॉन्स, कॉमरेंट्स, ऐसे अलग अलग तरीके के बर्ड्स जो है यहाँ पर माइग्रेट करके आते हैं। और यहाँ पर जो है काइट्स, फ्लाई कैचर्स, ओल्स, किंगफिशर्स, वुडपिकर्स और ड्रॉन्ग्स जो है वो यहाँ पर ही रहते हैं, इसी सेंचुरी के अंदर ही रहा करते हैं। तो यहाँ पर 2000 की साल से 2002 से लेके यहाँ पर कॉन्स्टेंटली नंबर जो है सालाना इंक्रीज हुआ है। 50-60 हजार की विजिट से लेके अब जो है ये 90 हजार से लेके 1 लाख तक की बर्ड्स की यहाँ पर जो है जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर के सीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। अब जो है यहाँ पर अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर जो है सितंबर में मेजर हो गया है अबाउट 98,000। इस सेंचुरी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाना वाला बर्ड एशियन ओपन बिल स्ट्रोक जो है ये एशिया के अंदर 1,30,000 की पॉपुलेशन रखता है, और ये वेटलैंड रीजन के अंदर ज्यादातर पाया जाता है। और इसके अंदर अब स्पेसिफिकली देखें तो इंडिया के अंदर इसकी 32 से लेके 40% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर पाई जाती है, वेरेज यहाँ पर लिटिल इग्रिट, लिटिल कॉर्मोरेंट, नाइट हेरॉन और पॉन्ड हेरॉन भी ऐसे बर्ड्स हैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब ये एरिया वैसे ही डेवलप नहीं हुआ है, 1970s को इसको ध्यान में लिया गया और इसको डेवलप करने की बात की गई, और उसके बाद कई अलग अलग एंगल से इसके लिए पैसे जुटाने का काम शुरू किया गया, जिसके अंदर यहाँ पर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से पैसे मिले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से पैसे मिले, 10th फाइनेंस से यहाँ पर पैसे मिले, उत्तर बंग उन्नयन पार्षद, उसके बाद राष्ट्रीय समा विकास योजना से पैसे मिले, नेशनल फूड फॉर वर्क से पैसे मिले, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से भी इनको पैसे मिले। अब ये जो पैसे है ये दिसंबर से लेके फरवरी के महीने तक यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं, और जो भी सारा डेवलपमेंट वर्क है ये मेनली दिसंबर से फरवरी के महीने
महीने में चलता है। फिर मार्च, अप्रैल और मई ऐसे महीने जहाँ पर बहुत सारी गर्मियां पड़ती है, तो बर्ड्स जो है ये पानी के लिए ट्रैवल करने के लिए फिर से कहीं माइग्रेट कर जाते हैं और जो सबसे पानी से नजदीक एरिया होता है वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। अब इसके अलावा का जो टाइम फ्रेम है, ये वो टाइम फ्रेम है जहां से दूसरे कंट्री से भी बर्ड यहाँ पर और दूसरे नेबरिंग पार्ट ऑफ इंडिया और इवन और इंडिया के आसपास जो ईस्ट एशिया के जो आइलैंड कंट्रीज है वहां से भी यहाँ पर बर्ड माइग्रेट करके आते हैं और ये उनके लिए एक स्मॉल पिकनिक पोर्ट जैसा है जहाँ पर अलग अलग किस्म के बर्ड आके अपना टाइम यहाँ पर अच्छी तरीके से स्पेंड करते हैं। तो जो लोग फोटोग्राफी के लिए और बर्ड्स को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा हॉबी रखते हैं उनके लिए रायगंज वाइल्ड सेंचुरी एक आकर्षण का केंद्र है और ये जो है अभी एक करंट अफेयर है क्योंकि अब तक का यहाँ पर हाईएस्ट नंबर रिकॉर्ड हो चुका है बिफोर द एंड ऑफ सितंबर 2018। इस वीडियो के अंदर इतना ही और अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, कमेंट के अंदर अपने सुझाव जरूर से दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल से मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।